वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिल नज़ीर वानी। तामिल इरशाद मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। आज हम मौजूद हैं पटन में, पटन के मरकजी जामिया मस्जिद शरीफ के पास है हम। यहाँ इस्लामिक फ्रेटर्निटी ऑफ कश्मीर की तरफ से आज एक इस्लाही कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के उलमाए किराम होंगे और जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर रियासतों के उलमाए किराम भी होंगे। आइए सुनते हैं इनका खिताब। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं मुफ्ती अब्दुलरहमान साहब, जो मरकज़ी जामिया मस्जिद पटन के इमाम साहब भी है। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मैसेज क्या रहेगी सोसाइटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि जवानों को इस वबाई कामों से और वबाई अमराज से बचाया जाए, जिसमें नशा है, मंशियात है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। खुसूसन हमारी जो जवान है और हमारी जो ख़वातीन इसमें मुलविस हुई हैं, तो हम इनको कुरान के और हदीस के हवाले से यही मैसेज देना चाहते हैं और यही बात कहना चाहते हैं, इससे अपने आप को बचाइए। ये सेहत अमानत है, इसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। इन यहाँ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अथर खान साहब, जो पीस टीवी के मुकर्रर रह चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वबरकातहू। जी सर, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जो इस्लामिक फ्रेटर्निटी आप जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ कंडक्ट किया है, इसके हवाले से आप बताइए, आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहोगे? आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से जो मैसेज मैं दे रहा हूँ, जिस तरह से हालात हैं कश्मीर के और जो हम देख रहे हैं कि सुसाइड रेट्स में जो तादाद बढ़ रही है और ड्रग अब्यूज़ में बढ़ रही है और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं जो हमारे नौजवान, तो उनके ताल्लुक से मैं आज कुछ बातें रखना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स जो हैं, यानी कि परेशानियाँ जो हैं, ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, और अगर इससे इंसान डिप्रेस होता है तो भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन डिप्रेस होने के बाद अगर हम उस पर रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके हम अगर नशे का इस्तेमाल करने लगते हैं या फिर हम डिप्रेस होने के बाद हम खुदकुशी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये गलत है। और एक बात और मैं वाज़े कर दूँ कि मुसलमान जो है, लोग समझते हैं कि वो डिप्रेस नहीं हो सकता,
वो गमज़दा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमज़दा हुए थे। जब आपकी बीवी का इंतकाल हुआ, आपके चचा का इंतकाल हुआ, आपकी औलाद का इंतकाल हुआ, तो गमज़दा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गमज़दा होने के बाद आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये सवाल पूछने की। तो हमें ये चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर हमारे साथ कोई बुरा हो तो हम सब्र करें। तो दोनों ही हालात में जो है मोमिन के लिए जो है कामयाबी है। तो ये जो मैसेज है मेरा कि डिप्रेशन जो है इसका इलाज भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान कुछ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुरान हदीस काफ़ी हो जाए और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। लेकिन मौलाना साहब, यहाँ से मैं आप और एक सवाल करना चाहूँगा, जो लोग आज बहुत डिप्रेशन में है, तो कुरान और हदीस की नज़र में अगर हम देखें कि उनके लिए क्या इलाज होगा, उनको क्या करना होगा कुरान और हदीस के हवाले से? कुरान और हदीस के हवाले से इलाज जो है, हो सकता है कि कुछ लोगों का कुरान और हदीस के लिहाज से इलाज हो जाए, लेकिन उसके लिए आज हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो ये लोग अपनी फील्ड में माहिर हैं। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान उन तक नहीं जा सकता इलाज के लिए, बल्कि उसको जाना चाहिए उनके पास भी, अगर उसका इलाज कुरान और हदीस से ना हो सकता, कुछ लोगों के लिए कुरान और हदीस सुनकर वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। तो कुरान और हदीस के अंदर जो इलाज दिया हुआ है कि मुसलमान की जो सोच है, जो फ़िक्र है, वो क्या है, वो उखरवी है, आखिरत के ताल्लुक से है। तो ये दुनिया में जो भी नुकसान हो रहे हैं, उसके जो भी नुकसान इस दुनिया में वो होते हैं, तो वो क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट के जाना है। तो यानी कि हर चीज़ जो हमें अल्लाह ने दी है वो अल्लाह ही की है। तो जब ये सोच हमारी हो जाएगी कि हम जो भी लॉस यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो हो सकता है किसी की औलाद का इंतकाल हो जाए, किसी की माँ का, किसी की बाप का, कोई प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, नहीं, ये अल्लाह ही ने हमें दी थी और अल्लाह ही ने ले ली, तो हमारी थी कहाँ, बल्कि हम खुद अल्लाह के हैं। तो ये सोच अगर बन जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ये सोच हमें रोकेगी डिप्रेशन में जाने से, जब हमें दुनिया भी नुकसानात होंगे। तो ये इंशाल्लाह कुरान और हदीस की तरफ से जो अल्लाह ताला ने गाइडेंस दी है, वो कहा है कि लकद खलकनल इंसान फी कब्र, कि प्रॉब्लम्स तो हर इंसान की ज़िंदगी में है, ये दुनिया प्रॉब्लम से भरी हुई है, सिर्फ जन्नत ऐसी जगह है जहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। तो प्रॉब्लम्स तो होने ही वाली हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश करके उन प्रॉब्लम से बाहर आए और अपने मिशन से नहीं हटे, इसी तरह हर मुसलमान को भी चाहिए कि उसकी ज़िंदगी का जो मकसद है अल्लाह की इबादत, उससे ना हटे और इन प्रॉब्लम्स को झेलते हुए उससे बाहर आए, उससे उभर पाए। शुक्रिया श्रीन, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक फ्रेटर्निटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और इनकी क्या मैसेज रहेगी सोसाइटी के लिए। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से? जी जी सर, आज के हवाले से आप बताइए कि जो यहाँ पे ये इस्लाही कॉन्फ्रेंस आपने मुनक़द की है, तो इसके हवाले से आप हमें बताइए। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। जैसे आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हम पर एक फ़र्ज़ आयद किया है बहस्ते जो हम उम्मत हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो चुनी गई है लोगों के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को ये पैगाम पहुँचाने के लिए कि उनका इलाह और माबूद कौन है, उनका आखिरी पैगम्बर कौन है और आखिरत का क्या तस्वुर है। और ये पैगाम जो है अल्लाह ताला ने जब हमें सुनाया तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हमें लोगों को दावत दीन देनी है, दीन इस्लाम की तरफ दावत देनी है। आमिर साहब, ऐसे प्रोग्राम आपने यहाँ पटन में की, क्या आपकी कोई प्लानिंग है हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक कस्बे में ऐसे कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने के लिए? मेरे मोहतरम, आपने बेहतरीन सवाल किया। इससे पहले अभी 3 या 4 ही दिन हो गए, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, दो 3 या 4 ही दिन हो गए अभी अल्हम्दुलिल्लाह श्रीनगर में ऐसी एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। आपको हालात मालूम है, इन पुराशुभ हालात में, इन ऐसे मसाइल में ऐसे प्रोग्राम्स को मुनाकिद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस हमारी मुनाकिद हुई, अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले बारामूला के अंदर मुनाकिद हुई, और इसी तरह इंशाल्लाह हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और भी अजला में इंशाल्लाह ऐसी कोशिशें करेंगे। आमिर साहब, जो ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आप विद इन जे एंड के कर रहे हैं या आपकी कोई प्लानिंग है आउटसाइड
इधर जे एंड के या विद इन इंडिया या अब्रॉड इंडिया, ऐसी कोई प्लानिंग है? अल्लाह का फरमान है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम पहले अपने आप को डराओ नारे जहन्नम की आग से, है ना, और फिर अपने अहलो अयाल। हमारा अहलो अयाल वादी कश्मीर है, फिलहाल हम वादी कश्मीर में काम करना चाह रहे हैं। यहाँ एक सोजी सामजी कोशिश के तहत कई चालें चली जा रही हैं, मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज काम कर रही हैं हमारे नौजवान को एक मुसीबत में धकेलने के लिए। तो हम अपने नौजवान के लिए फ़िलहाल काम करेंगे, जब अपने नौजवान को हम इस दलदल और इस मुसीबत से निकालेंगे इंशाअल्लाह फिर हमारा दायरा वसी होता जाएगा। दुनिया छोटी नहीं है, इंशाअल्लाह दुनिया भर में फैलेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी वादी में काम करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने यहाँ पर देखा आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़द किया गया था इस्लामिक फ्रेटर्निटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, यहाँ पर हर एक इंतज़ाम यहाँ की इंतज़ाम कमेटी ने रखा था, इसके साथ साथ यहाँ मसरूआत के लिए भी इंतज़ाम रखे गए थे। नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ, अल उलमा वरासतुल अंबिया, एक्चुअली दीज आर द ग्रेट पर्सनालिटीज़ एंड दीज आर द ग्रेट एसेट्स फॉर आवर सोसाइटी, एवरी बॉडी शुड रेस्पेक्ट दीज ग्रेट पर्सनालिटीज़। कैमरामैन अयान भट्ट के साथ साहिल नज़ीर वानी, KPS।